और मंगलौर के लहबोली गांव में बड़ा हादसा हुआ है। लहबोली में ईंट भट्टे की दीवार गिर गई है, जिसके नीचे दबने से 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि मजदूर ईंटों को पकाने के लिए भट्टे के अंदर ईंटें लगा रहे थे, तभी अचानक भट्टे की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके नीचे 8 मजदूर समेत 2 मवेशी दब गए हैं, जिनको JCB की मदद से बाहर निकाला है। वहीं इन हादसों में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज फिलहाल हॉस्पिटल में जारी है। वहीं स्थानीय पुलिस के साथ SSP और जिलाधिकारी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने कहा कि घटना के कारणों को जानने के लिए ADM की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट स्तर की जांच कमेटी बनाई गई है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। लापरवाही है सर, नया भट्टा है, ऊपर पिल्ले रखा, जो तड़े से जो पिल्ला धरे जाए तो ये बढ़िया चीज़ है, ऊपर जैसे दबाव पड़ता है तो दीवार खिल जाती है, नया भट्टा बना हुआ है तो भट्टे की लापरवाही और क्या है जी। इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ाई गई है, जो हो रहा है 22-23 फुट, जो होना चाहिए 17-18 फुट। लहबोली गांव के पास में एक ईंट के भट्टे की दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। अभी 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। दीवार के ढहने की वजह से लगभग 6 श्रमिकों की डेथ हुई है और 2 इंजर्ड हैं, और इन 6 श्रमिकों में 3 श्रमिक तो हमारे उत्तराखंड के ही लोकल ही हैं और 3 श्रमिक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, यूपी के हैं। और दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए फिलहाल अभी ADM की अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने सेटअप की है और कल से वो लोग जांच कर लेंगे क्या वाकई में ये मानकों के अनुरूप था या नहीं था।